हाय गाइस, आई एम वेलकम बैक। मैं दिलताल और आप देख रहे हैं डेवलप माइंड यूट्यूब चैनल। मार्च 2020 के लॉकडाउन ने हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ के रख दिया है। सरकार को युवाओं को देने के लिए नौकरी नहीं है। यहां तक कि कई सरकारी कामों को निजीकरण करके उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की नौकरी भी चली गई। इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को इतनी परेशानी हुई कि हर व्यक्ति की नज़र बदल गई है, हर व्यक्ति की अंदाज भी बदल गए हैं और उनकी नज़रिया ही बदल गया है। हर व्यक्ति की सोच बिजनेस पे जा रही है। हर व्यक्ति बिजनेस की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति बिजनेस करने की सोच रहा है। क्या आप भी बिजनेस करना चाहते हैं? अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिजनेस क्या है और बिजनेस किसे कहते हैं। बहुत से यूट्यूबरों ने हर तरह की वीडियो बनाई है, अलग अलग परिभाषाएं दी है, लेकिन आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन आ जाता है कि आखिर बिजनेस में फर्क क्या होता है, बिजनेस किसे कहते हैं। हर तरह की वीडियो देखने के बाद भी आप लोग कंफ्यूजन में रह जाते हैं, इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस नाम आया कैसे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि प्राचीन काल में आदि मानव रहते थे। उनके सभ्यता में धीरे धीरे विकास होने लगा और जैसे जैसे उनके सभ्यता में विकास होने लगा, बदलाव आने लगा, वैसे वैसे उनके जीवन में जरूरतें बढ़ने लगी। उनके जरूरतों के हिसाब उन्होंने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया और अपनी जरूरत की चीज को बनाने लगे। बाद में और भी उनके जब सभ्यता में विकास हुआ तो उन्होंने इसको मार्केट में बदलने की सोची, मार्केट में लाने के लिए अपने बनाए हुए वस्तुओं को सोचा और उन्होंने मार्केट में लाया। यहीं से व्यापार यानी बिजनेस का नाम आया। लेकिन आगे चलकर इसे भी तीन भागों में बांट दिया गया, जो कि पहला आता है इम्प्लॉई, नंबर दो पे आता है सेल्फ इम्प्लॉई और तीन नंबर पे रख दिया गया बिजनेस। अब आपको हम इसमें बता दें कि इम्प्लॉई, सेल्फ इम्प्लॉई और बिजनेस में आखिर फर्क क्या होता है। यहीं पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल्फ इम्प्लॉई को लोग बिजनेस कहते हैं और बिजनेस को भी कुछ लोग बिजनेस होते हैं। तो बिजनेस है ही है, बिजनेस जो है वो बिजनेस है, लेकिन सेल्फ इम्प्लॉय को भी लोग बिजनेस कहते हैं। तो आइए आपको हम इस वीडियो में ये क्लियर करें कि आखिर बिजनेस में और सेल्फ इम्प्लॉय में और इम्प्लॉय में फर्क होता क्या है। आपको बता दें कि जो इम्प्लॉय है वो नौकर की हैसियत से होता है। अपने सैलरी पाने के लिए कोई व्यक्ति कहीं भी नौकरी करता है उसे ही सेल्फ इम्प्लॉय कहते हैं। उसका कुछ अपना नहीं होता है, सिर्फ वो खुद अपना मेहनत करके सैलरी पाने के लिए वो काम करता है, उसे ही इम्प्लॉय कहते हैं। अब नंबर पे आया दो, अब इसमें आता है नंबर दो पे सेल्फ इम्प्लॉय। सेल्फ इम्प्लॉय का मतलब ये है कि आपका जो भी कुछ हो, शॉप हो, किराना स्टोर हो या जनरल स्टोर हो, वो खुद आप ही का है और आप ही उसमें वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं नौकर की हैसियत से या मालिक की हैसियत से, लेकिन आप एक ही हैं, उसमें दूसरा कोई नहीं है। आपका ही वो शॉप है, आपका ही वो शॉप है यानी बिजनेस है और आप ही खुद अकेले उसमें काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं सेल्फ इम्प्लॉय। अब नंबर आया थ्री, थ्री नंबर पर क्या है बिजनेस। बिजनेस किसे कहते हैं, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल्फ इम्प्लॉय और बिजनेस में फर्क नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस का मतलब ये है कि आप कोई भी कंपनी खोलते हैं, या कोई शॉप है, कोई दुकान खोले हों और उसमें आप इम्प्लॉय को हायर करते हैं, यानी जो पहले नंबर पे आपको बताए हैं कि इम्प्लॉय जो कि नौकर के हैसियत से काम करता है, तो वही नौकर के हैसियत से काम करने वाले को अपने बिजनेस में लाते हैं, अपनी दुकान में रखते हैं या अपनी कंपनी में रखते हैं और वो काम करता है। चाहे आप वहां पे आप अपनी कंपनी में या दुकान में रहें या ना रहें, लेकिन आपका जो इम्प्लॉय है वो काम करता है और प्रॉफिट आपको मिलता है, वो आप ही का काम करता है और आप वक्त के हिसाब से महीने पे हो या
कुछ भी हो, हफ्ते में हो, आप वो जैसे भी आप उनके सैलरी पर रखें, तो आप उसको काम करने के बदले आप उसको सैलरी दे देते हैं और जो भी प्रॉफिट है वो आपका हो गया, और इसे ही बिजनेस कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ पे आपको आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो गई हो। अगर आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई हो और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगले आने वाली वीडियो भी ऐसे ही इंटरेस्टेड होगी और आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगी। आप भी कोई बिजनेस किए हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इस बिजनेस के बारे में आप बताएं कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप कोई बिजनेस किए हों तो वो भी हमको बताएं कि आपका कौन सा बिजनेस है और उसमें क्या करना चाहते हैं। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत हो वो भी हमें बता सकते हैं कि हम आपका कोई मदद भी कर सकें। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, और अगली वीडियो मिलता हूं। जय हिंद।